बोल रहे क्वेश्चन नंबर 11 में कि बाईचुंग्स फादर इज 26 इयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंड फादर, यानी कि बाईचुंग्स के जो पिता हैं वो 26 साल छोटे हैं किससे, उसके दादाजी से, एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, 29 साल बड़े हैं बाईचुंग से, ठीक है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री इज 135, व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं, इनका नाम लिख लेते हैं। तो ये हो गए बाईचुंग, ये हमने मान लिया बाईचुंग के फादर हो गए, ठीक है, और ये हो गए इनके ग्रैंडफादर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप मान सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि बाईचुंग्स फादर इज 26 इयर्स यंगर देन बाईचुंग्स, ठीक है। अगर मैं इनको एक्स मान लूं तो इसके फादर क्या हो जाएंगे, इससे 26 साल छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे भी हम ले सकते हैं। और फिर तीसरा क्या बोलेगा कि ये जो है इससे 29 इयर्स बड़े हैं। तो पहले हम मान लीजिए बाईचुंग का ही मान लेते हैं, कि हम बाईचुंग का मान लेते हैं, हमने यहां से शुरू करा तो बाईचुंग का हमने मान लिया कि ये एक्स इयर्स का है, ठीक है। तो अब देखिए बाईचुंग के फादर कितने हैं, 29 इयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, यानी कि एक्स प्लस 29, ये एक साल का है, एक साल का, तो ये उससे 29 इयर्स ज्यादा है, ठीक है। अब तीसरा, फिर आते हैं हम पहले लाइन पे कि बाईचुंग फादर जो है 26 इयर्स यंगर हैं उसके दादाजी से, ठीक है। 26 इयर्स यानी कि अब ये जो है ये इससे भी 26 साल बड़े हैं, यानी कि एक्स प्लस 29, ये अगर इससे 26 साल छोटा है तो ये इससे 26 साल बड़े हैं, तो प्लस 26, यानी कि ये कितने साल के हो जा रहे हैं, तो 9 और 6 15, ठीक है। तो ये हो जा रहे हैं एक्स प्लस 55 ईयर्स के। अब बोल रहे हैं कि तीनों का जो सम है वो है 135, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो हम ऐड कर देते हैं एक्स प्लस 29 और प्लस एक्स प्लस 55 इज इक्वल टू 135, यही है ना। तो 1 2 3, तो 3x प्लस, इसको ऐड कर देते हैं, तो 9 और 5 4, और 5 और 2 7 और 1 8 इज इक्वल टू 135। 3x प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस 3x इक्वल टू, इसमें से गया तो ये 1 और 3 में से ये गया तो 5 और ये खत्म। तो अब इससे देखिए इससे ये कट गया 17 बार में, 17 टाइम में 17 3 51, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 17। तो x किसकी आयु थी, बाईचुंग की x थी आयु, यानी कि वो 17 साल का है, और बाईचुंग के फादर जो थे वो कितने साल के थे, तो एक्स प्लस 29 थे, यानी कि 17 प्लस 29, यानी कि 9 और 7 16 16 के 6, 2 1 3 और 1 4, ठीक है। और बाईचुंग ग्रैंडफादर कितने के हैं, ग्रैंडफादर कितने के हैं, तो एक्स प्लस 55 के, यानी कि 17 प्लस 55, तो कितने साल के हो गए ये, 7 5 12 का 2 हर से ये 5 1 6 7, तो ये हो गया। अब इनको ऐड करके आप देख लीजिए, 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8 और 7 करेंगे तो 5 15 15 का 5, और 4 और 1 5, 5 और 7 20 और 1 135, यानी 135 आ जा रहा है हमारा, यानी कि आंसर हमारा सही है आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर रह गया है 12 13 14 15 16, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बोल रहा है 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज ऑफ हिज प्रेजेंट एज, ठीक है ठीक है। तो हम ले लेते हैं कि रवि की आयु क्या है,
रवि की प्रेजेंट एज लेते हैं हम, प्रेजेंट एज एज एक्स इयर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 15 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब 15 साल बाद रवि की एज क्या हो जाएगी, 15 साल बाद रवि की एज क्या हो जाएगी, 15 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद x प्लस 15, 15 साल बढ़ जाएगी, आज जो एज है उसमें 15 साल और ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू बोल रहा है कि विल बी 4 टाइम्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज, 4 टाइम्स, यानी कि प्रेजेंट एज है x और इसका कितना हो जाएगी 4, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट एज है x और इसकी 4 गुनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x, अब 4x इधर को आएगा, ये उधर को चला जाएगा, तो x प्लस में है तो माइनस 4x, और ये उधर को चला जाएगा तो माइनस 15। अब यहां से देखिए माइनस 4 है, ये x है, तो माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 15। अब इससे ये कट गया, 3 से ये काटेंगे तो 5 टाइम्स, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है। तो रवि की प्रेजेंट एज क्या थी, x थी, यानी कि प्रेजेंट एज x थी उसकी, तो अभी कितनी हो गई 5 इयर्स, प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो प्रेजेंट एज उसकी 5 इयर्स हो गई। आंसर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बोल रहा है ओरिजिनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3, ऐड 2/3, ठीक है, टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12, व्हाट इज द नंबर, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू, रेशनल नंबर पहले मान लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या है, x है, ठीक है, हमने मान लिया कि x है। अब बोल रहा है ऑरिजिनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x मल्टीप्लाई बाय 5/2, ठीक है, एंड ऐड 2/3, ऐड 2/3 ऑफ द प्रोडक्ट, ये जो मल्टीप्लाई का रिजल्ट है उसमें हम 2/3 को ऐड कर देते हैं, तो हम क्या पाते हैं 7/12, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहां से हो जाएगा 5x/2, यहां से 2/3 इज इक्वल टू -7/12, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यहां देख लीजिए कि यहां से अगर हम करें इसको, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 6, ठीक है, अब इससे करेंगे तो 3, तो ये हो जाएगा 15x, और प्लस इससे इसको करेंगे 2 टाइम्स, तो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई, तो 2 जा 4 इज इक्वल टू 7/12, और ये माइनस है, ठीक है। अब यहां से देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये उधर को जाएगा, तो 15 2 करेंगे तो आता है 180x, प्लस इससे इसको करेंगे तो 48, और इससे इसको करेंगे तो माइनस में 76 जा 42, ठीक है, तो 180x इज इक्वल टू -42, अब ये उधर को जाएगा तो -48, तो 180x इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 0 और ये 9, ठीक है, और माइनस में, और x इज इक्वल टू 90 माइनस में डिवाइडेड बाय 180, ये मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में, तो इससे हमने काट दिया इसको 2 टाइम्स में, तो क्या आया हमारा 1/2, और क्या इसमें आया माइनस में, x की वैल्यू क्या हुई -1/2, तो जो नंबर हमारा था, जो हमारा नंबर था, जो नंबर हम फाइंड आउट, वो क्या है 1/-1/2 है, ठीक है।